हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो होने वाला है एक एजुकेशनल वीडियो। अगर आपको कोई पेशेंट मिलता है कहीं एक्सीडेंट सिचुएशन में, कहीं कोई दुर्घटना में, अगर आपको कोई पेशेंट मिल जाता है जिसको चोट लग गई है, तो आप उसको फर्स्ट एड या स्टेबलाइजेशन कैसे करोगे, दोस्तों आपको बताना चाहूँगा। ये वीडियो एक ट्रेनिंग पर्पज़ से रिकॉर्ड किया गया है और इसमें दिखाए जाने वाले जितने भी कंटेंट हैं वो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम द्वारा, जो उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले व्हाट इज द करेंट सिचुएशन, एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है और वेयर इज इट गोइंग, ये जा कहाँ रहा है, किस तरफ जा रहा है, पेशेंट की क्या स्थिति है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इनिशियल असेसमेंट, जिसमें हम उसका जनरल इम्प्रेशन चेक करते हैं, हे आर यू ओके, और उसके बाद उसका ये अपना ए बी पी यू चेक करते हैं, अलर्ट, वर्बल, पेनफुल और अनरिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। उसके बाद हम फिजिकल असेसमेंट करते हैं, जो हम उसका डॉट्स वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद पेशेंट हिस्ट्री सैंपल मेथड से लेते हैं, ऑन गोइंग असेसमेंट और हैंड्स ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा। उस्ताद शुरू करो। जैसे कि यहाँ पे मैं आ रहा था बाइक लेके, एक आपको सीन दे रहा हूँ, ठीक है, सीन जो उसके को मिलेगा। वो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जो बाइक से गिर गया, या हम दोनों एक बिल्डिंग के पास थे, वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, दोनों में से कोई भी चिनाब मान सकते। तो मैं क्या करूँगा, मेरे आस पास जो भी एनएस होगी या जो भी आपका सीन होगी, आपको मान के मैं भाई अपने हमारी टीम की, जो अभी हम टीम में बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारा सेम सिचुएशन है। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हमको कोई कॉल करता है तो हम रेडी होते हैं। हमारा सामान, सारा सामान आप देख सकते हैं, ट्रक में लोड है और हम विदिन 5 से 10 मिनट के बीच में रिस्पॉन्स कर देते हैं। फुल पीपीई पहनेगी। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये किस लिए जरूरी है? अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, खास करके जो अभी का सिचुएशन है, कोरोना है और कई तरह की है, उसके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं विक्टिम किस कंडीशन में है और वहाँ पे कितने लोग होंगे। आजकल जो हमारी स्थिति है, देखने वाले ज़्यादा हैं, करने वाले कम हैं। आप कहीं भी लोकल कम्युनिटी में जाओ, देखने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। हर 20 मिनट पर आके कोई ना कोई नया आएगा, पूछेगा क्या हुआ, लेकिन ये नहीं लोगों के ध्यान में है कि इसको करना क्या है। किसी के ये ध्यान में नहीं रहता है कि मैं EMS को कॉल कर दूं। अब यहाँ पे R1 और R2, जो कि इन्होंने पहले ही बांट रखा है टीम को, R1 और R2 कौन होगा, ये सीन को सिक्योर कर देंगे। वहाँ पे जितने भी लोकल लोग होंगे उनको वहाँ से बोलेंगे कि साइड हो जाइए। यहाँ पे सीन सिक्योर करते समय एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे ये बोला बाइक एक्सीडेंट है, तो ऐसा ना हो कि उसका बाइक से पैर दबा हुआ हो या वो हो, कोई भी हजार्डस मटेरियल है उसको हटा देना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे पेट्रोल गिर रहा हो और कहीं आग ही लग जाए, कोई आया कोई लाइटर जला दिया, सिविल लोग हैं उनका कोई पता नहीं। तो सबसे पहले हजार्डस मटेरियल को भी वहाँ से रिमूव करना है।
सीन सिक्योर करते समय ध्यान देना, इसमें से एक एंट्री पॉइंट छोड़ दिया जाता है जो अपनी टीम के लिए होता है, और उस एंट्री पॉइंट के पास एक स्कॉट खड़ा कर दिया जाता है। साथ में एक टीम के साथ लॉजिस्टिक होता है जो सामान की देखभाल करता है, क्योंकि होता क्या है कि लोकल लोग सामान को लेके भाग भी जाते हैं, तो उसकी भी सुरक्षा करनी है। कई लोग हल्ला करने वाले भी मिल जाते हैं कि मेरा तो मर रहा है जी, जल्दी बचाओ। फिर उनको संतावना भी देना है, ठीक है हम आ गए हैं, EMS को अलर्ट कर दिया है, EMS आ रही है, क्योंकि लोकल लोगों का कोई पता नहीं, आजकल तो लाठी लेके खड़े हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। No response, R3, alert EMS. ओ भाई साहब क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? ये मेरा रिलेटिव है, आप इसको कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। आप क्या है कि लोकल लोग हमेशा परेशान करते रहते हैं, इसका भी ध्यान रखना है, आपको काम नहीं करने देंगे। आर1 क्या KBC? अब यहाँ पे सबसे पहले ये ABC चेक करेंगे। ABC मतलब एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। यहाँ पे क्या कौन से मेथड से चेक करेंगे? LLF, लुक लिसन और फील। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075,
सीपीआर स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उसका कोई काम नहीं कर रहा, हो सकता है वो बच जाए। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20 21 22 23 24 25 26 27 28 साथ ही आप देख रहे होंगे साइड में एक जो खड़ा है वो हैंड अप रिपोर्ट लिए हुए है और उसका नाम भाई जो बाय स्टैंडर है उससे नाम पूछ रहा है, उम्र पूछ रहा है और साथ ही जैसे जैसे यहाँ से बोल रहे हैं उसको नोट कर रहा है वो कि ब्रीदिंग है कि नहीं है, क्या है, पूरा डिटेल सुन रहा है और नोट कर रहा है बाय स्टैंडर से प्लस अपनी टीम से। वो नोट करके वो फाइनल एक रिपोर्ट बनाएगा। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2 CPR देते समय खास करके ध्यान देना है जो सरफेस है वो कम फ्लैट सरफेस होना चाहिए। इसका ब्रीदिंग प्रेजेंट हो गया है तो हो सकता है कि इसको कहीं और इंजरी हो तो उसका एक बार पेशेंट असेसमेंट करके चेक कर लिया जाएगा कि कहां इंजरी है। R3, R4 स्टार्ट फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के पहले ही जो R1 होगा वो सी कॉलर अप्लाई कर देगा, हो सकता है कि सर्वाइकल कॉलर में सस्पेक्टेड इंजरी हो। Rental, no dots, parietal, no dots. हो सकता है तो हेड को हमेशा वो पकड़ के रखेगा। मैंडिबल नोडोस, टीएमजे नोडोस, सर्वाइकल वर्टिब्रा सस्पेक्टेड इंजरी, R3 अप्लाई सी कलर। यहाँ पे हम हमेशा मान के चलेंगे सस्पेक्टेड इंजरी को सर्वाइकल कॉलर का, क्योंकि हो सकता है कि चोट लगा हो और उससे ज़्यादा इंजरी हो जाए तो हम सबसे पहले सी कॉलर को अप्लाई कर देंगे। सी कॉलर अलग अलग साइज में होता है, इसका एडल्ट से लेके और अलग अलग उम्र तक का 8 साइज में हमारे पास अवेलेबल है, वो आपको दिखाएंगे। जितने भी अवेलेबल है हमारे पास उसको दिखाएंगे कैसे लगाते हैं, क्या प्रोसेस होता है। R6,
चेक मेटल साइन। शोल्डर बोन नो डॉट्स नो क्रैकिंग साइन इन पेल्विक रीजन। स्टर्नम नो डॉट्स नो प्रिया पिजन प्रोसेस स्टे इंटैक्ट। हीमर नो डॉट। ये दोनों अपने अपने विधि रिदम में एक दूसरे को चेक कर रहे हैं ताकि जल्दी से फिजिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस पूरा हो जाए। जॉइंट नो डॉट राइट लोअर क्वाड्रेंट्स नो डॉट्स टीबिया फिब्युला नो डॉट लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स नो डॉट्स लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट्स नो डॉट्स एंकल जॉइंट नो डॉट्स टॉर्सन जॉइंट्स नो डॉट्स मेटाटॉर्सन नो डॉट्स नो डॉट्स लंजिंग नो डॉट्स एल्बो जॉइंट्स नो डॉट्स रेडियस अल्ना नो डॉट्स रिस्ट जॉइंट नो डॉट्स टॉर्सल मेटाटॉर्सल नो डॉट्स साथ ही आप देख रहे होंगे कि वाइटल साइन लेने के लिए इसका बीपी और आरबीएसपी बीपी ये सारा चीज नोट किया जा रहा है। इसका ब्लड प्रेशर भी एक हमारा जो आर टू है वो ब्लड प्रेशर भी नोट कर रहा है। अब इनको कुछ डॉट्स मिला है पैर में नो डॉट्स एल्बो जॉइंट नो डॉट्स रेडियस अल्ना नो डॉट्स रिस्ट जॉइंट नो डॉट्स कार्पल मेटाकार्पल नो डॉट्स फ्लैंजेस नो डॉट्स पीएमएस प्रेजेंट। चीज आप ध्यान दे रहे हो जो कमांडर है वो उसका जो सर पकड़े हुए है उसको छोड़ नहीं रहा है, बाकी टीमें वर्क कर रही है उसका ध्यान रखना है, उसको सर का मूवमेंट स्थिर रखना है। इसमें हर 5 मिनट पे इमरजेंसी जो पेशेंट है उसका वाइटल साइन लेते रहना है और हर 15 मिनट पे जो नॉन इमरजेंसी पेशेंट है उसका भी वाइटल साइन नोट करते रहना है। हो सकता है कि और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में ना जाए विक्टिम। एक बार जैसे ही स्टेबल करता है स्प्लिंटिंग बांधता है उसके बाद पीएमएस को चेक करना है, पल्स मोटर फंक्शन और सेंसेशन। पीएमएस चेक करने से पता चलता है कि विक्टिम का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल है और वो कंटिन्यू है, कहीं ऐसा ना हो कि आप कस के बांधे उसका ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाए। अब इसका बैक साइड चेक किया जाएगा। यहाँ पर जो R5 और R6 होगा वह स्ट्रेचर तैयार कर लेगा इसी बीच में, जैसे ही बैक साइड चेक हो रहा है या स्ट्रेचर रेडी करके रखेगा ताकि बिल्कुल को तुरंत से स्टेबलाइज किया जा सके। ऑल बैक रीजन नो डॉट्स R5 R6 अप्लाई हार्डबोर्ड। Roll the patient, on my command, 1, 2, 3, down, 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 shift the patient, on my command, 1, 2, 3, shift, shift, shift. Patient को shift करने के बाद तुरंत यहीं पर oxygen apply कर देना है, oxygen apply. Apply oxygen. आपका सभी अभी प्रैक्टिकल होगा जिसमें सारे पेशेंट्स सारी चीज लगे हुए हैं वेस्टर्न पे, तो एक बार इसको ध्यान से देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है।
यहाँ पे इनका हेड का जो स्टेबल किया है उसके नीचे वो बल्कि ड्रेसिंग होता है, उसको मोटा करके तकिए के साइड में दोनों तरफ लगा दिया जाता है ताकि हेड का मूवमेंट ना हो। दिखा रहा हूँ मैं, इसके बाद सारा इसी का प्रैक्टिकल है आपका, अलग अलग स्टेशन पे जाएंगे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। Lift the patient on my command. 1, 2, 3, up, up, up. Move the patient on my command. 1, 2, 3, move, move, left, left, left. Victim को सीधे EMS को दे देंगे और एम्बुलेंस में ले जाओ ताकि वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल को चला जाए। हमारे पास कोई भी व्यक्ति रहेगा उसको EMS को देना जरूरी है। On my command, 1, 2, 3, down, 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 up, up, up. फायर के केस में या किसी केस में कुछ ऐसा व्यक्ति मिलता है जहां हमारे पास कोई साधन न हो, उसको कैसे करते हैं उसका एक बार डेमोंस्ट्रेशन दिखा देंगे। ये डेमोंस्ट्रेशन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है? तो टीम के लिए एक बार ताली बजा रहे हैं।